मौत के बाद माफिया डॉन तौकीर रजा खौफ में है। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा का एक वीडियो 3 अप्रैल को प्रसारित हुआ, जिसमें कहा गया है कि वो भगोड़ा नहीं है, वो कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखेगा। साल 2010 में हुए दंगे के मामले में फरार घोषित किए जाने के मामले में मौलाना ने अपना पक्ष एक वीडियो के जरिए रखा है। लेकिन इस बदनामी, ये जो बदनामी की जा रही है मुसलसल, और मुझे भगोड़ा और कुर्की के आगे क्या क्या ये तमाशे बनाए जा रहे हैं, तो मजबूरन मैंने हॉस्पिटल से कल छुट्टी ली है। डॉक्टर ने मुझे सख्त ताकीद की है कि जब तक ओपन हार्ट ना हो जाए कंप्लीट बेड रेस्ट होना चाहिए। इसके बावजूद मैं लोगों के दिलों में जो गम गुस्सा है या जो मुझे बदनाम किया जा रहा है या जो लोगों में बेचैनी पैदा हो रही है, लोग निराश हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनकी परेशानी को दूर करने के लिए मैंने हॉस्पिटल से छुट्टी दी है और मैं हर वक्त तैयार हूँ। किसी भी किस्म की जवाबदेही अगर मुझ पर बनती है मैं हर वक्त हाजिर हूँ। मैं कोर्ट में हाजिर होने को तैयार हूँ, गिरफ्तारी देने को तैयार हूँ, मैं फांसी पर चढ़ने को तैयार हूँ। इस वीडियो में तौकीर ने अपना डर कुछ इस तरह जाहिर किया। अगर आपको मुख्तार अंसारी की तरह मुझे जेल में डाल के मुझे जहर देकर मारना आपका मकसद है, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। हम भागने वाले लोग नहीं है। हम हर तकलीफ का, हर परेशानी का और हर संघर्ष का मुकाबला करने वाले लोग हैं और हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, हर जवाबदेही के लिए तैयार हैं। ईमानदारी से अगर काम होगा तो हम हर किस्म का सहयोग करेंगे। तौकीर ने इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट अभी तक मैं समझता हूँ कि जो लालच और जो दबाव और जो लोकतंत्र के सबसे बड़ा किला अगर कोई है तो जुडिशियरी है। जुडिशियरी के कुछ जजेस में ये देख रहा हूँ कि अपने लालच की वजह से कि रिटायरमेंट हमारा करीब है, हम हिंदूवादी उस पर फैसला देंगे तो भारतीय जनता पार्टी से हमें गवर्नरी मिल जाएगी या राज्यसभा मिल जाएगी या लोकसभा का टिकट मिल जाएगा या हमें कोई ओहदा मिल जाएगा, तो वो इस लालच में जो लोग काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से मैं अपील करता हूँ, दस बस्ता गुजारिश करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे लोगों की तरफ संज्ञान लेना चाहिए और पूरे मुल्क का, पूरे देश का अब अगर विश्वास बचा है तो सुप्रीम कोर्ट पर बचा है। साल 2010 दंगों के मामले में कोर्ट से मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ 2 बार गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट से मामले की सुनवाई अब जिला जज के कोर्ट में हो रही है। जिला जज विनोद कुमार की अदालत में 1 अप्रैल को मामले की सुनवाई प्रस्तावित थी। तौकीर रजा फिर कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। जिला शासकीय वकील सुनीति कुमार पाठक ने बताया कि मौलाना तौकीर गैर हाजिर रहा, अदालत ने उसे फरार घोषित कर दिया है। मामले की सुनवाई के लिए 8 अप्रैल की तारीख तय कर दी है। डीजी फास्ट ट्रैक रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने 5 मार्च 2024 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें मौलाना को साल 2010 के बरेली दंगों का मास्टरमाइंड बताते हुए बतौर अभियुक्त तलब किया था। कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई थी कि मुकदमे में नाम और संबंधित साक्ष्य और पुलिसकर्मियों की गवाही के बावजूद तौकीर रजा का नाम चार्जशीट से निकाल दिया गया। ऐसी तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन।